WHO ने सेफ्टी का शक होने पर कोरोना महामारी के इलाज में इस्तेमाल हो रही मलेरिया दवा के ट्रायल पर रोक लगाई। WHO के मुताबिक हार्ट से पीड़ित लोगों में इन दवाओं का दुष्प्रभाव दिखा। भारत में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 60,000 के ऊपर पहुंची। संक्रमण के मामले 1,45,000 के पार हुए। कोरोना से अब तक 4,167 लोग गंवा चुके हैं जान। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 6,535 नए मामले आए सामने और 146 लोगों की मौत हुई। फिलहाल भारत में 80,000 से ज्यादा एक्टिव केस जिनका इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना पीड़ित 15,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। कुल संक्रमण के मामले 52,000 के पार पहुंचे। राज्य में अब तक कोरोना वायरस से 1,695 लोगों की मौत। विमान के जरिए महाराष्ट्र पहुंचने वालों के लिए 14 दिन का होम क्वारंटीन जरूरी। ऐसे लोगों के हाथ पर ठप्पा भी लगाया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया। मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 31,972 हो गई। पिछले 24 घंटे के दौरान मुंबई में कोरोना से 38 मौतें। मुंबई में कोरोना से अब तक कुल 1,026 मौतें हो चुकी हैं। पुणे जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 6,153 पहुंची। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 459 नए मामले आए सामने। अभी तक कोरोना के कारण 280 लोग गंवा चुके हैं जान। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 14,000 के पार पहुंचा। दिल्ली में कोरोना वायरस से अब तक 276 लोगों की मौत। 6,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 14,400 के पार पहुंची। राज्य में कोरोना से 888 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 6,000 से ज्यादा लोग दे चुके हैं वायरस को मात। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 17,000 के पार पहुंचा। राज्य में कोरोना वायरस की वजह से 118 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 8,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना से अब तक 3,500 से ज्यादा लोग ठीक हुए। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 6,500 के पार पहुंचा। राज्य में अब तक 165 लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। राजस्थान में कोरोना से अब तक 167 लोगों की मौत हुई। 3,900 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 7,000 के पार पहुंची। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। ओली ने कहा कि भारत से आने वाले लोग बिना उचित जांच के आ रहे हैं। महाराष्ट्र के अकोला में कोरोना के कारण हुई मौत के बाद बेटे ने पिता की लाश को लेने से इनकार कर दिया। ये बात इलाके के मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता को पता चली तो उन्होंने शव का हिंदू रीति रिवाज से दाह संस्कार किया। उत्तराखंड में चमोली जिले में 80 साल के बुजुर्ग के बीमार होने पर बांस से बने स्ट्रेचर पर लिटाकर 9 किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाना पड़ा। सड़क न होने की वजह से परिवार वालों ने फैसला किया। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 54,50,000 से ज्यादा हुई। कोरोना से अब तक 3,45,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 16,62,000 से ज्यादा हुई। कोरोना संक्रमण से 98,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। ब्रिटेन में कोरोना से 36,800 से ज्यादा लोगों की मौत। इटली में कोरोना से 32,800 से ज्यादा लोगों की मौत। थाईलैंड भी कोरोना वायरस बनाने की दवा बनाने में जुटा। थाई वैज्ञानिकों के मुताबिक वो ऐसी दवा बनाना चाहते हैं जो सस्ती हो और सब पीड़ित उसका इस्तेमाल कर सके। पाकिस्तान में 56,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। 1,500 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। 17,000 से ज्यादा लोग वायरस को मात भी दे चुके हैं।